हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं वो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ एंड अभी नहा के आई हूँ। ठीक है, नहा चुकी हूँ। अब सोच रही हूँ ना कि हॉल ठीक कर लूँ। झाड़ू पोछा कब का हो गया है, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। बस क्या करना है, हॉल ठीक करना है और कल वो बेडशीट धोई थी उसको लगाना है। तो यही दो तीन काम बचे हैं, यही करना है। तो चलिए आप लोगों के साथ ये काम भी कर लेती हूँ। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन है उसको बजा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आ तो पहुँच जाए। कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आज है मंगलवार, 19 तारीख है आज। ठीक है, तो आज मैं बाल धोई हूँ। संडे को मैं नहीं धुली थी बाल, और संडे का मैं वीडियो भी नहीं शेयर करी थी आप लोगों का क्योंकि मैं वीडियो बनाई ही नहीं थी। संडे को ना मुझे वीडियो वगैरह मतलब कुछ भी बनाने का मन नहीं करता, बस मन करता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ। मिश्रा जी भी घर पर रहते हैं तो उन्हीं के साथ बिजी रहती हूँ, बातें करना, घूमना फिरना यहाँ वहाँ, तो उसी में मैं बिजी रहती हूँ। ठीक है, तो यही सब है। अब चलिए आप लोगों के साथ जल्दी से बच्चे जल्दी से काम कर लूँ। ठीक है, क्यों मैं एक बात बोलते बोलते दूसरी बात बोलने लगती हूँ, सबके साथ ऐसा होता है। तो बच्चे खाना खा के ट्यूशन चले गए हैं और पूरा जो जूठन थाली वगैरह है सब यहीं पड़ी है, तो उसी सबको हटाना है। थोड़ा सा ये सोफ़ा सेट का कवर हटा के वॉशिंग मशीन में डालना है धुलने के लिए, थोड़ा सा हॉल ठीक करना है, बस काम हो गया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइज, बाय। सो गाइज, मैं यहाँ पे हॉल में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं हॉल ठीक करूँगी और जूठे बर्तन है पहले मैं इसको ले जाके बेसिन में डालूँगी एंड जो भी सामान बिखरा पड़ा है उसको हटाऊँगी। बॉटल है उसको ले जाके पानी भर के रखूँगी क्योंकि इस समय ना गर्मियाँ चल रही हैं, तो गर्मियों में बहुत सारे लोग ठंडे पानी पीते हैं, गढ़े का पानी पीते हैं। तो मेरे पास तो घड़ा नहीं है, मटका नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, फ्रिज का ही पानी पीती हूँ। बहुत कम पीती हूँ, बट मैं जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी दोपहर के टाइम पे मैं फ्रिज का पानी और नल का पानी मिक्स करके पीती हूँ एंड शाम को या रात को ना मैं ओनली नल का पानी ही पीती हूँ, आरओ का। ठीक है, तो ये भी सोफ़े का जो कवर है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, सो मैंने सोचा कि पहले इसको भी डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में ताकि ये भी धुल जाए। एंड उसके बाद देखिए मेरे गले का पट्टा और कमर का पट्टा दोनों पड़ा है, उसको भी लगाना है। अब मैं ये सब कर लूँ उसके बाद मैं लगाऊँ। सो चलिए जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश कर लेते हैं एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अगर आपके फैमिली फ्रेंड में किसी को भी ब्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ उसके साथ मेरा चैनल शेयर कर मतलब कर दीजिएगा एंड वीडियो में एंड तक बने रहिए। ठीक है, सो चलिए, ये मिस्टर जी का दो तीन कपड़ा था यहीं पे पड़ा हुआ था दो दिन से, सो मैं क्या सोच रही थी कि इसको भी वॉशिंग मशीन में डाल के वॉशिंग मशीन चला दूँ, एक काम पूरा हो जाए। सो मैं चला दी हूँ एंड यहाँ पे ना मेरी ननद रानी आई थी उस दिन, सैटरडे को आई थी, संडे को शाम को गई थी। ठीक है, तो वो कुछ क्या बोलते मेरे यहाँ संडे मार्केट लगता है नीचे, तो वो सब्जी मतलब थोड़ी सी सब्जी परवल एंड थोड़े सामान खरीदी थी, मेकअप का, नेल पेंट, कान का, बहुत लोगों को नकली पसंद है ना, तो वो वही वो कान का और नकली बड़े बड़े बाले वगैरह, जूड़ा वगैरह, नेल पेंट वगैरह वही सब खरीदी थी तो यहाँ पे भूल गई थी। उसी में परवल था
चार पांच परवल सड़ा निकल गया, मैं उसको फेंक दी। तीन परवल सही है, तो मेरे घर पे कोई परवल की सब्जी नहीं खाती है। देखती हूँ कलौजी बना दूँगी परवल की, तो वो मैं खा जाऊँगी, और आलू डाल दूँगी तो वो सब खा जाएंगे। ठीक है, मसाले वाली सब्जी परवल की तो मैं भी उतना नहीं पसंद करती, देखूँगी कुछ ना कुछ उसका कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ पे संडे को ही अनियन आया था ख़रीद के 5 किलो, वो सब मैं रखना भूल गई थी। सो वही सब रख रही थी, देखा उसमें गाजर था और पत्ता गोभी थी, सो उसको भी ले जाके फ्रिज में डाल दूँगी। ठीक है, सो यही सब है। मैं सोच रही थी पहले थैली सहित रख दूँगी, फिर मुझे याद आया कि थैली में बहुत जल्दी अनियन जो होता है ना ख़राब हो जाता है। सो उसके लिए मैं क्या करी कि मैं पूरा निकाल के ऊपर भर दी, और जो बचा हुआ था वो थोड़े से नीचे डाल दी। ठीक है, सो यही है, घर गृहस्थी में थोड़े थोड़े काम लगे रहते हैं, इनको करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो और बच्चे हैं तो बच्चे को मैनेज करना, घर के काम करना एंड हस्बैंड को देखना, मतलब सब कुछ करना पड़ता है। और ये मजबूरी नहीं है कि करना पड़ता है, ये अच्छा लगता है। आखिर घर पे आप लोग बैठे हो, बोर हो जाते हो, इससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ काम करते रहो। देखिए यहाँ पे निकल गया, और ये झोला मैं ले जाके रख दूँगी, फिर से सैटरडे को चाहिए होगा। एंड ट्रॉली भी मैं ले जाके रख के आती हूँ। ठीक है, सो मैं गई थी, फ्रिज खोली तो देखी थोड़ी सी फ्रिज गंदी है। सो मैं अभी नहीं, एक दो दिन बाद, कल या परसों, मैं पक्का फ्रिज को थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, थोड़ी सी गंदगी है, दूध वगैरह गिर गया, दाल वगैरह, बस वही उसी को क्लीन करना है। ठीक है, और गर्मी लग रही थी तो मैं पानी पी, एंड उसके बाद थोड़ा सा मैं अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करूँगी। नहा के सीधा मैं काम में बिज़ी हो गई थी, तो यहाँ पे गुड वाइब्स का ये प्रोडक्ट है, ग्रीन टी टोनर। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। एंड उसके बाद रोज़ क्या है इसका नाम, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ये क्रीम है, काफ़ी अच्छा क्रीम होता है, इसका भी मैं लिंक आप लोगों से शेयर कर दूँगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड लिपस्टिक का भी शेयर कर दूँगी, जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ सबके शेयर कर दूँगी। आप लोग देखना है तो देख लीजिए, लेना है तो ले लीजिएगा। ठीक है, इस समय वैसे भी पर्पल पे गुड वाइफ से 2 बाई 1 वो फ्री चल रहा है, 2 खरीदो तो 1 फ्री हो मिलेगा आप लोगों को। मैंने भी कुछ प्रोडक्ट मंगवाए हैं, मेरे दूसरे चैनल पर अपने शेयर करूँगी। ठीक है, सो मैं ऊपर बिंदी लगा के देख रही थी कैसा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने नीचे कर दी कि मैं बिंदी हमेशा नीचे लगाती हूँ। एंड ये है लिपस्टिक, मतलब लिपस्टिक किसका है, एलेटीन का है। 3-4 में ली थी एलेटीन का, और 3-4 में ली थी उसका क्या बोलते हैं, लैक्मे का, ऑनलाइन परचेस करी थी। और मेरे पास अभी इस टाइम पे दिख रहा है 2 सिर्फ, ये वाला एलेटिन का, 2 लैक्मे का। और मैं कहीं आती जाती हूँ तो मुझे लगता है ना मैं कहीं घुमा देती हूँ, रख के मैं भूल जाती हूँ, इसके लिए मैं डिसाइड करी हूँ कि 2-3 से ज़्यादा लिपस्टिक नहीं लेकर जाऊँगी। ठीक है, तो चलिए ये काम भी हो गया हमारा, अब चलते हैं थोड़ी से क्या करेंगे, बेड ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बेड ठीक कर लेते हैं। मुझे ना फिर से प्यास लगी है, बेड ठीक करके पहले सबसे पहले मैं पानी पीऊँगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है ना तो प्यास तो लगेगी ही। ठीक है, और बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं तो प्लीज़ आवाज़ रही होगी तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, सबसे ज़्यादा आरओ की वॉइस आती है, आरओ दीदी दीदा मम्मी पापा सबको दिन भर बुलाता रहता है, कुछ ना कुछ उसका काम लगा ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये काम भी फिनिश हो गया, मैं कुछ इसी तरह से अपना बेड ठीक करती हूँ ताकि 2-3 दिन तक आराम से मेरा बेड वैसे का वैसा सेम रहता है, और आरा जब शरारते करता है तो थोड़ा सा वो बिगड़ जाता है। ठीक है, दूसरे वाले का मैं कल का ठीक करी हूँ, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, अभी 1-2 दिन और चलेगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस,
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो थोड़ा सा मैं बाल बना ली अपना एंड थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगा ली। सोच रही हूँ ना थोड़ा देर आराम कर लूँ, ठीक है? तो गर्मी लग रही है, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना तो फैन ऑन कर रही हूँ, मतलब ऑफ कर रही हूँ, ऑन ही होता है, याद आता है। एंड देखिए ये साड़ी, ये साड़ी भाभी घर से भेजी थी मेरे लिए जब मेरी बहन आ रही थी तब, और एक साड़ी और भेजी थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाई हूँ कि नहीं? आई थिंक दिखाई नहीं हूँ क्या, कि दिखाई हूँ। तो यही सब है। वो साड़ी ना, उसका ब्लाउज मैं कुछ अलग, मतलब अलग सिला रही हूँ, ब्लू कलर का, ऑरेंज हल्दी पीली कलर की साड़ी है, उसका ब्लाउज ब्लू कलर सिला रही हूँ हल्दी पे पहनने के लिए। आजकल ना फैशन जैसा चल गया है ना कि मेहंदी पे हरा कलर और हल्दी पे पीला कलर। तो लड़के की शादी है तो मेहंदी तो हम लोग आपस में ही कर लेंगे, बट लड़की की शादी में सब लोग आजकल यही सब करते हैं, ट्रेंड चल गया है आजकल का। तो मेरे पास तो हल्दी कलर की साड़ी हो गई है, आर्या के पास नहीं है और आरो के पास। आरो को मैं सोच रही हूँ या तो कुर्ता पैजामा ले लूँगी पीला कलर का, या तो एक टी शर्ट ले लूँगी जीन्स के ऊपर पहनने के लिए। एंड आर्या के लिए कुछ लेटेस्ट देख रही हूँ, मिल जाएगा ऑनलाइन या मीशो भी, मीशो पे, तो मैं आर्या के लिए मंगाऊँगी, ठीक है? और मंगाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यही है आज का वीडियो, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइज। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को एंजॉय करते रहिए। मिलती हूँ, तब तक बाय बाय।